बेबी डॉज कॉइन एक ऐसी क्रिप्टो जिसको इलॉन मस्क की वजह से बहुत ज़्यादा पुश मिला 2021 के अंदर। इलॉन मस्क के एक ट्वीट से बेबी डॉज कॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बन गई कि आज रिजल्ट ये निकला है कि 17 लाख तो इसके होल्डर्स हैं। सबसे ज़्यादा सप्लाई है, अगर मैं सप्लाई की बात करता हूँ, क्वाड्रिलियंस में सप्लाई है, होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं। और 2023 की जहाँ तक हम बात करते हैं, अब तक फरवरी में अच्छा पंप दिखाया और कल भी अगर आप देखेंगे तो 9-10% बेबी डॉज कॉइन ग्रीन में चल रहा था। तो बेबी डॉज कॉइन के बारे में बात करेंगे और बेबी डॉज कॉइन का एक स्टैंड क्लियर है यहाँ पे जो दिख रहा है वो है शिबा इनू के नक्शे कदम पे। जी हाँ, बिल्कुल शिबा इनू के नक्शे कदम पे चलाई ये कॉइन। शुरुआत NFT से की, बेबी डॉज NFT, उसके बाद मेटावर्स, उसके बाद बर्न पोर्टल, है ना, सब चीज़ें शिबा इनू को फॉलो की हैं। और ऐसे में अच्छी बात है, अगर एक अच्छे प्रोजेक्ट को दूसरा प्रोजेक्ट फॉलो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हटके की हैं, यानी अनएक्सपेक्टेड की हैं। बेबी डॉज कॉइन में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले शॉर्ट टर्म के अंदर एक अच्छा पंप देखने को मिल सकता है, एक अच्छी रैली, स्ट्रॉन्ग रैली जो बोलते हैं, वो बेबी डॉज कॉइन में हमको देखने को मिल सकती है। कुछ रीजंस हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं बेबी डॉज कॉइन के साथ। अभी रिसेंटली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाया, सबसे ज़्यादा पेट डोनेशन, फूड डोनेशन की बात करता हूँ तो मैं, पेट फूड डोनेशन की, तो सबसे ज़्यादा किया बेबी डॉज कॉइन ने, जिसकी वजह से रिकॉर्ड बनाया है ना। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों से बैक टू बैक लिस्टिंग्स हुई हैं बेबी डॉज कॉइन की, और शॉर्ट टर्म में पंप आने का एक रीज़न ये भी लेके चल रहे हैं हम कि जल्दी ही, जैसे फ्लॉकी इनू बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ है, वैसे ही जल्दी ही बेबी डॉज कॉइन भी बाइनेंस पे लिस्ट हो सकता है, बिल्कुल लिस्ट हो सकता है। जब फ्लॉकी इनू हो सकता है और पेपे हो सकता है तो बेबी डॉज कॉइन भी हो सकता है, वो भी लिस्ट में सबसे ऊपर है। बहुत सारे कॉइन्स हैं बाइनेंस लिस्टिंग के लिए, लेकिन बेबी डॉज कॉइन के भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, है ना, वो भी देखने को मिल सकता है और वो भी एक अच्छी रैली ला सकता है बेबी डॉज कॉइन के प्राइस में। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, फोर्ब्स ने भी इसको अपनी एसेट लिस्ट में ऐड किया है। मतलब फोर्ब्स का नाम तो आपको पता ही होगा, वहाँ किसी क्रिप्टो का नाम आ जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, और बेबी डॉज कॉइन को उन्होंने अपनी लिस्ट में ऐड किया है, यानी आने वाले टाइम में आपको फोर्ब्स के जो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं उनके अंदर भी बेबी डॉज कॉइन आपको देखने को मिल सकता है, एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ 100 क्वाड्रिलियन इथेरियम नेटवर्क के ऊपर बेबी डॉज कॉइन बर्न करने वाला है 1 जून को। जी हाँ, 1 जून को, हमने पहले ही डिस्कस किया था, बड़ा दिन है, 1 जून 100 क्वाड्रिलियन की बर्निंग करने वाला है बेबी डॉज कॉइन। इसके साथ साथ अगर हम BSC की बात करते हैं तो उसकी भी कुछ ना कुछ बर्निंग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि BSC की जब बात करूँ तो वहाँ भी अभी बहुत सप्लाई बची हुई है, लेकिन जिस तरह से, जिस अंदाज से बेबी डॉज कॉइन बर्न कर रहा है तो अगले 2-3 साल में भी बेबी डॉज कॉइन अच्छी खासी सप्लाई रिड्यूस कर लेगा, जिसका बेनिफिट सीधा बेबी डॉज कॉइन के प्राइस पे पड़ेगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं काफ़ी। बर्न पोर्टल की बात करता हूँ, बेबी डॉज स्वैप की बात करता हूँ, काफ़ी लिस्टिंग की हैं, अपने स्वैप पे फोकस कर रहे हैं, ये नहीं कि मार्केटिंग कर रहे हैं, नहीं, काम भी किया जा रहा है और जो कॉइन काम करता है उसका रिजल्ट भी देर सवेर देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बाकी जो अपडेट रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए बेबी डॉज कॉइन में एक अच्छी रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो देखने को मिल सकती है अगले 3-5 मंथ्स के अंदर, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे सब कुछ। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।